वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शानू। तो आज मैं जा रही हूँ गणपति, क्योंकि आ रहे हैं तो गणपति की शॉपिंग करने। कुछ डेकोरेटिव चीज़ें और कुछ पूजा की सामग्री वगैरह हम लेंगे, और उसके बाद फिर मैं पंडाल प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पे पीछे गणपति जी का पंडाल बनाऊंगी। तो इस बार हम गणपति किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वो सारा कुछ आप सबसे शेयर करूँगी। और डॉल जी हमारी हो गई हैं बड़ी, चलने फिरने लग गई हैं, तो इनको गणपति जी से थोड़ा दूर ही रखना रहेगा, क्योंकि ये भगवान जी को उठा उठा के हाथ में खेलती हैं। इनके खिलौने भगवान जी रहते हैं, तो देखते हैं हमारे गणपति जी सही सलामत रह पाते हैं कि नहीं डॉल से। तो चलिए फिर अभी चलती हूँ मार्केट, वहाँ पे दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से मार्केट है दिल्ली में। ज़्यादातर चीज़ें मेरे पास हैं, लाइट्स वगैरह लेना है, कुछ अलग टाइप की चीज़ें मिल गई तो ले लूँगी, नहीं तो बाकी डेकोरेटिव आइटम्स मेरे पास हैं काफ़ी सारे, उसी से डेकोरेशन करेंगे। तो कैसा होने वाला है इस बार का गणपति उत्सव हमारे घर पे, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और शेयर करना पसंद आए तो। तो चलिए फिर अभी मार्केट चलते हैं, वरना लेट हो रही है। सामने से हम भी देखते हैं हाँ, वो जो गोल्डन के बगल, वो सफेद गोल्डन, और जो है ये वाला नहीं, ये वाला ना? हाँ ये वाला दो दो। हमारी डॉल जी गन्नू जी को लेने आई हैं, और हमने गन्नू जी को बुक कर लिया है। भैया तो भाई शॉपिंग करके आ गई हूँ, और शाम हो गई है, काफ़ी बैंड बजी हुई है मेरी, क्योंकि कल तीज का फास्ट है, परसों गणपति है, मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मतलब पंडाल वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है, कल ही करना है। और ये सब देन है मेरे हस्बैंड जी की, क्योंकि मैंने उन्हें दिन में ही बोला था कि पीवीसी पाइप वाला जो स्टैंड होता है ना, वो करके दो मेरे को, और उसके बाद मैं डेकोरेशन करूँगी, बट वो सारा दिन ऐसे ही बिता दिए। फिर शाम में शॉपिंग करने जाना था, ये बोल के कि शाम में जाएंगे करेंगे, शाम में करेंगे, सारा दिन टल गया, और अब तो रात ही हो गई, अब तो हो ही नहीं पाएगा। अब कल देखो क्या होता है, कल स्टैंड लगेगा, उसके बाद पंडाल बनेगा, और कल तीज भी है, तो देखो कैसे होता है सब कुछ। बस यही होप कर सकती हूँ कि हो जाए अच्छे से, और फिर यही लोग हेल्प करने वाले हैं, बाकी मेरे देवर वगैरह जो भी हैं और मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं ऊपर के ही फ्लोर पे मेरे देवर और देवरानी लोग रहते हैं, तो सगे नहीं हैं, मतलब इनके मामा के बेटे बहू लोग हैं, तो अच्छा रहता है साथ में सब लोग मिलके इस बार फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। और मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ आज, थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें और कुछ पूजा की सामग्री मैं दिखाती हूँ अभी, और कल फिर तीज है, तो मेहंदी भी मुझे लगवानी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तीज के जस्ट नेक्स्ट डे गणपति रहता है ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फास्ट रहता है और उसी के नेक्स्ट डे गणपति रहता है, तो प्रिपरेशन करनी रहती है। और मेरे लिए क्या, जो भी गणपति जी को घर पे लाते होंगे और तीज का फास्ट रहते हैं, वो सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता होगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या पूजा की सामग्री वगैरह लेके आई हुई हूँ, और कल आगे व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी इसके बाद में। तो गणपति जी की पूजा करने के लिए ये चौकी लिया है, गणपति जी को इस पे हम स्थापित करेंगे। और दिल्ली में ना लूट मची हुई है, अभी तो मैं जिस एरिया में गई थी वो गाजियाबाद का मार्केट था, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं चांदनी चौक जाती। और ये 480 का उन्होंने जो लिख दिया है, मतलब उतने में ही देंगे, मतलब जो मन करेगा ऊपर लिख देंगे और उतने में ही देंगे, कम नहीं करेंगे, फिर भी कुछ हम लोगों ने बार्गेनिंग करवा ली। और उसके बाद ये वाला, ये अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने ले लिया, बाकी डेकोरेशन के आइटम्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट ये कुछ अलग टाइप का था तो मैंने ले लिया, देखते हैं कैसे रेडी करते हैं, पंडाल जब मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये मुझे 60 रुपीज़ का एक मिला है, मैंने दो लिया हुआ है, और बाकी पूजा की सामग्री है, नारियल वगैरह। हाँ डॉल जी आ गई हैं पहले ही, मैं जल्दी से हटा देती हूँ। ये डॉल के लिए मैंने बैंगल्स लिया है, नहीं गणपति वाले दिन मैं साड़ी पहनाऊँगी ना, तो मैं दिखाऊँगी आपको कैसी लगती है हमारी डॉल जी। ये दुपट्टा मैंने लिया है, बहुत ही प्यारा सा है, संडे मार्केट से मैंने लिया है, यहाँ पे मेरे घर के पास लगता है जो,
कुछ अलग सा था, मतलब कुछ अलग क्या, नेट का ही है बस, थोड़ा सा इसमें टैसल्स इस तरह से नेट का ही लगाया हुआ था तो अच्छा लग रहा था। 200 रुपीज का ये दुपट्टा है। इसे मैं पहले डेकोरेशन में शायद यूज करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसे पहनने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, अच्छा लगेगा। एक ना मैंने ये येलो कलर का दुपट्टा लिया है, जिस टेबल पे मैं गणपति जी को स्थापित करूंगी उस पे इससे कवर करने वाली हूँ। 50 रुपीज का बहुत सस्ता सा मिल गया और बाद में यूज भी कर सकते हैं इसको। पूजा से रिलेटेड लिया हुआ ये दिया जलाने के लिए मैंने लिया है, और ये मैंने लिया हुआ है इसमें मतलब चंदन तिलक वगैरह अक्षत वगैरह रख लूंगी तो इकट्ठे एक जगह रहेगा, मुझे इजी पड़ेगा पूजा करने में। ये छोटू सा मैंने ग्लास लिया हुआ है भगवान जी के लिए, पानी के लिए, और जिसमें मुझे लगता है कि ये ग्लास में भगवान जी कम डॉल ज्यादा पियेंगे। देखो ये ले ली ग्लास, चम्मच आचमन के लिए, ये 30 रुपए का था, पता नहीं ये रियल पीतल है कि नहीं, पीतल तांबा जो भी कहते हो मुझे नहीं पता। तो गाइस कुछ दिन पहले ना मैं एम स्टोर गई थी और वहां से मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें ली हैं किचन से रिलेटेड, मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं GIP मॉल में गई थी नोएडा में जो है, और वहां से मैंने ली है ये सारी चीजें। और ये देखो प्यारा सा, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग है चाय पत्ती चीनी रखने के लिए अलग अलग कंटेनर, तो ये बहुत प्यारा सा था मैंने ले लिया। ये देखो अंदर से कुछ ऐसा है, अभी मैं इसे वॉश करूंगी और उसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ टी एंड शुगर का मैंने लिया, कॉफ़ी नहीं लिया है मैंने क्योंकि हम चीनी चाय पत्ती ही यूज़ करते हैं, कॉफ़ी इतना पीती ही नहीं हूँ कि उसके लिए इतना बड़ा डिब्बा लूँ मैं। तो चीनी का ये है और चाय पत्ती का ये है, टी एंड शुगर वाला आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। ये मैंने डस्टर लिया है, माइक्रोफाइबर डस्टर है और 4 का सेट है इसमें, कुछ इस तरह से डस्टिंग के लिए काफ़ी सही रहता है ये। मैंने ये किचन टॉवल लिया हुआ है, ये 3 का सेट है, 119 रुपीज का। स्टोल काफ़ी अच्छा लग रहा था कलरफुल तो मैंने एक ले लिया। तो ये मैंने कटलरी होल्डर लिया हुआ है और ये कुछ इस तरह से अंदर से है, इसका प्राइस है 299, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये, ऐसा रख दूंगी। एक साइड मैं सोच रही हूँ फोक रखूँ और स्पून्स रखूँ और एक साइड में नाइफ वगैरह रखूँगी इसमें। इसके अलावा मैंने ये लिया है बैक क्लिप, 12 पीस है इसमें, और जैसे कोई पैकेट मैंने ओपन किया और उसे मैं फिर इसे क्लिप कर दूंगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है आप देख सकते हो, तो क्लिप कर दूंगी तो चीज़ें नहीं गिरेंगी उसमें से। ये वाले कंटेनर मुझे कितने के पड़े मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो 249 का एक था, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे बट मैंने ब्लैक लिया। आज मुझे सुबह से कोई रेस्ट नहीं मिला, पूरे घर को साफ की, काफ़ी टाइम से एक छिपकली मेरे घर में छुपी हुई थी तो उस मिशन को कंप्लीट किया हमने आज, इसे बाहर निकाल के घर से, कि जब हम उसको भगाते ना, मतलब भगाने के लिए करते, वो अपना एक अड्डा फिक्स करके रखी थी और वहीं पे वो छुप जा रही थी, तो हमें मिल नहीं रही थी वो, और टाइम टाइम पे बाहर निकलती रहती थी तो डर लगता था कि ये आ कहाँ से रही है। तो उसको भगाया और उसके बाद डॉल की सारी चीज़ें करना यार, खाना खिलाने में 1 घंटा ये ले लेती है, मतलब दिन भर में अगर मैं 5 मील दे रही हूँ इसको, 5 घंटे सिर्फ मुझे खिलाने में लग रहे हैं इनको, अगर मोटा मोटा लेके जाऊँ तो। पता नहीं क्यों ये जल्दी खाती नहीं है, बहुत स्लो खाती है यार, मैं पागल हो जा रही हूँ, मेरे इतने टाइम वेस्ट हो रहा है ना सिर्फ इसको खाना खिलाने के चक्कर में, और खुद से दो तो थोड़ा बोड़ा खाएगी फिर अच्छे से नहीं खाती और फिर मन नहीं मानता यार, इतने छोटे बच्चे को ज़्यादा खाते नहीं, ज़रा सा खाएंगे फिर उसके बाद लगेंगे फैलाने गिराने, फिर लगने लगता है कि यार पेट भरा तो यहीं भरा लाओ खिला ही देती हूँ, और उसके चक्कर में मेरा इतना टाइम चला जाता है। आज एकदम रेस्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और उसके बाद मेरी हो गई है तबीयत थोड़ी सी डाउन। तो हमने ना यहाँ पे PVC पाइप जो होता है ना उसका ये स्टैंड बनाया है, और ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जिसे हम लगाने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे देवर ने की थी। हर बार मैं अलग अकेले खुद से जूझ जूझ के पंडाल बनाती थी, इस बार का पंडाल काफ़ी अच्छे से बन गया,
मेरे देवर लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। पहले यही सिंहासन ले लिया अपना। तो आप देख रहे हो किस तरह से हमने पीवीसी पाइप में जितने भी मेरे पास फ्लावर वाली लड़ियां थी ना, सब कुछ अच्छे से रोल करके लगा दिया। तो फाइनली गाइस कुछ इस तरह से बना हुआ है हमारा मंडप, जिसको अभी कंप्लीट करना बाकी है क्योंकि अभी इसमें फेरी लाइट्स लगेंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो इस मंडप को रेडी करने में थोड़ा बहुत मेरा आइडिया था और ये सारे सामान मेरे पास थे, कुछ भी मैंने नहीं खरीदा है इस बार गणपति में डेकोरेशन के लिए, सब कुछ मेरे पास था। और बस ये गोल्डन वाला जो है आप देख रहे हो, इसे मैंने परचेज किया है, बाकी सब कुछ मेरे पास था। ये रेड दुपट्टा मैंने परचेज किया है, तो थोड़ा बहुत मेरा आइडिया था, कुछ मेरे देवर का आइडिया था और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने मिल के किया है ये सारा। और ये जो आप देख रहे हो ये पीवीसी पाइप है, यू कैन सी। और आजकल पीवीसी पाइप का कुछ ज़्यादा ही मंडप फैशन में है, तो हमने सोचा कि एक ले लेते हैं, हमेशा के लिए हो जाएगा, गणपति तो हम हमेशा रखते हैं। 800 समथिंग का इसका मतलब पूरा पड़ा है हमें मटेरियल पाइप वाला जो है। नेक्स्ट ईयर मैं कुछ चीज़ें परचेज करूँगी, इस बार मेरे पास इनफ चीज़ें थी। तो ये देखिए मैंने बेल लगाई है। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। डॉल ने भी काफ़ी मेहनत की है इस मंडप में काम बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बीच बीच में आके सबको इरिटेट कर रही थी, परेशान कर रही थी। और सिंहासन लगा के पहले गणपति बप्पा से पहले ये खुद ही विराजमान हो गए इस मंडप पे। तो चलिए अभी मिलती हूँ आप सबसे थोड़े देर में। तो हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ पे हम शाम में गए थे, तीज की पूजा चल रही थी और बहुत सारे लोग आए थे दर्शन करने, पूजा करने। बहुत ही अच्छा माहौल था और सब एकदम अच्छे से रेडी होके आए थे, तो बहुत ही पीसफुल लग रहा था। और ये मंदिर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मोरया, जय करलो, जय जय करो भगवान जी को, गणपति बप्पा मोरया। चौकी पे गणपति बप्पा मोरया। फाइनल लुक है ये पंडाल का और हमारे गन्नू जी यहाँ पे अभी चौकी पे हैं और हम इन्हें कल स्थापित करेंगे। और इधर कोने में इसलिए रखा है ताकि डॉल से हम बचा के रख सकें गन्नू जी को। इस टेबल पे अभी नहीं रख सकते क्योंकि इस पे तो गन्नू जी की अभी स्थापना नहीं हुई है ना। और आपको कैसा लग रहा है ये पंडाल मेरे को ज़रूर बताना, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। देखो डॉल पहुँच गई, डॉल पहुँच गई है। बेटू नो डोंट टच, जय करो बेटू, जय ये इधर देखिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया इस बार पंडाल। और हमने पीवीसी पाइप लेके ना बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि हमेशा गणपति जी को हम लाते हैं घर में और मैं वॉल पे कुछ ना कुछ कलाकारी करके हमेशा पंडाल बनाती थी, अब ये हमेशा के लिए हो गया है। तो गाइस तीज है क्योंकि आज, और मैं मंदिर गई थी शाम में, पूजा किया था वहाँ पे और उसके बाद फिर हम गन्नू जी को घर पे लेके आ गए आज ही, क्योंकि गाजियाबाद में हमने गन्नू जी को बुक किया था और मॉर्निंग में नहीं हो पाता लाना, लेट हो जाता, तो इसलिए हम लोगों ने आज ही ला दिया गन्नू जी को घर पे। तो आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपको फर्स्ट डे मिलती हूँ यानी कि कल। और आज आप सभी को हैप्पी तीज और हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि चतुर्थी ऑलरेडी लग चुका है। कल मॉर्निंग में हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, गन्नू जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे गन्नू जी ना 11 साल के हो गए, तो देखते देखते 11 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से अभी न्यू मॉम बन चुकी हूँ, काफ़ी चेंजेस आ गए मेरी लाइफ में इन 11 साल में देखा जाए तो। मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, मेरी बुआ की लड़की है ना, कज़न मेरी, जिसकी बेटी के बर्थडे पे मैं गई थी जबलपुर, तो सबसे पहले वो लेके आती थी गन्नू जी को, तो उसको देख के मैं और मेरी एक और बुआ हैं उनकी
अब बेटी हम दोनों ने भी ये सोचा, ये डिसाइड किया कि हम भी गन्नू जी को घर पे लेके आएंगे अपने और उनकी पूजा करेंगे। और तब से ही हमारे यहाँ ये जैसे कि चलन हो गया है और हम सब अपने घर पे गन्नू जी को लेके आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें विदा करते हैं और अगले साल फिर से वो हमारे घर आते हैं और हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये गणेश उत्सव की आप सबको बधाई और गन्नू जी का आशीर्वाद, हमारे गणपति बप्पा का आशीर्वाद हम पे बना रहे, आप पे बना रहे, सब पे बना रहे और मैं यही आशा करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलूँगी आप सबसे गणपति डे वन पे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, उसमें कंजूसी मत करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो नाइट व्यू कुछ इस तरह से है गन्नू जी के पंडाल का।